सारंगढ़ उप जेल में धारा 376 के आरोप में बंद बरगर उड़ीसा निवासी कैदी खिरोंदर उर्फ उड़िया ने देर रात गमछा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 6 महीने के अंदर सारंगढ़ उप जेल में फांसी का दूसरा मामला है। सारंगढ़ पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी है। अंबिकापुर में दरिमा तहसील के उपार्जन केंद्र करजी में एक किसान द्वारा अन्य किसान के धान को अपने खाते में बेचते हुए प्रशासन की टीम द्वारा पकड़ा गया और 70 बोरी धान जब्त किया गया। जगदलपुर के लुंडी गुड़ा पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दंतेवाड़ा इलाके से एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोरबा जिले में जनपद पंचायत सदस्य के पति पर छेड़छाड़ और जातिगत गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने हाथ डंडा के साथ साथ चप्पल जूता से पिटाई कर दी। रायपुर में थाना देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित साचो सतराम क्लॉथिंग शॉप में विभिन्न कपड़ों में नाइक कंपनी का नकली लोगो लगाकर बिक्री करने वाले संचालक शशांक तलरेजा को देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर दुकान से 2,14,200 रुपए का कपड़ा जब्त किया है। सोलह जनवरी को रायपुर के अग्रसेन धाम चौक ग्रीन लाइट ढाबा के पास यादव ठेला के सामने बैठकर अपने मोबाइल से अपने दोस्त से बात कर रहा सौरभ मिश्रा के ऊपर मामूली विवाद में चाकू मारकर फरार होने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के गोल बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित राजीव आवास परिसर में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर वाहनों को क्षतिग्रस्त करने वाले 3 नाबालिग सहित 8 आरोपियों को गोल बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक को नाबालिग बताकर अनुचित ढंग से पंजीकृत विक्रय पत्र का निष्पादन करने वाले 4 आरोपियों को जशपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने जशपुर के प्रभारी तहसीलदार की रिपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र में अनियंत्रित बस की ठोकर से महिला की मौत हो गई। इस घटना में महिला के पति को मामूली चोटें पहुंची। इस घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ कर दी। राजनांदगांव जिले के बांकल में रेत खनन और ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम को जांच के निर्देश दिए। तब तक बांकल की खदान को बंद करा दिया गया है। जशपुर जिले के थाना बागबहरा के ग्राम चिकनी पानी में चोरी हुई पिकअप वाहन को गुमला पुलिस के सहयोग से बागबहरा पुलिस ने बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में हाईवे पर ढाबा के सामने माजदा वाहन के चालक और खलासी से मोबाइल और रुपए की लूटपाट करने वाले आरोपियों को घटना की सूचना के बाद घरघोड़ा थाना प्रभारी TI अमित सिंह द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलासपुर जिले के धान खरीदी केंद्र मोपका में 19 जनवरी की शाम अचानक आग लग गई। आग पहले भूसे में लगी फिर धान तक पहुंच गई। आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। BN गोल्ड रियल एस्टेट एंड इलाइट लिमिटेड के डायरेक्टर गुरविंदर सिंह संधु को राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपने ही कर्मचारी की पत्नी से दुष्कर्म का आरोपी डिप्टी रेंजर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। कांकेर साइबर सेल की मदद से कांकेर एवं कोयलीबाड़ा थाना क्षेत्र स्टाफ ने आरोपी डिप्टी रेंजर को धमतरी जिले के क्रूस से गिरफ्तार किया। जांजगीर में बुधवार को ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार हॉकर की मौत हो गई। वह समाज की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहा था। उसकी मौत से गुस्साए लोगों ने बिर्रा हथौड़ा मार कर जाम लगा दिया। अलग अलग राज्यों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को राजनांदगांव जिले की लालबाग पुलिस ने मध्य प्रदेश के रायसन और भोपाल से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से चोरी के सोने चांदी के जेवरात को जब्त कर लिया गया है।
बेमित्रा जिला पुलिस ने बाइक चोरी के 3 मामलों में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की 3 बाइक बरामद हुई है। ग्राम रजकुड़ी निवासी आरोपी वेद प्रकाश शर्मा से और घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS की रायपुर टीम ने बुधवार को मैग्नेटो मॉल के 3 खिलौना दुकान में छापा मारकर ऐसे खिलौनों को बड़ी संख्या में जब्त किया जिनके पास ISI मार्क नहीं था। बागबारा नगर पालिका कर्मचारियों ने CMO के साथ एल्डरमैन द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के बाद मोर्चा खोलते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। बुधवार को पालिका कर्मी अनिश्चितकालीन आंदोलन करते हुए कार्यालय परिसर में ही धरने पर बैठे रहे। बलौदा बाजार की सोहेला पुलिस ने JCB का छोटा बैकेट चोरी करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से JCB के छोटा बैकेट एवं चोरी में इस्तेमाल एक होंडा मोटरसाइकिल को जब्त किया है। जान पहचान का फायदा उठाकर रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर SECL के महिला कर्मचारी से 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में कोरबा जिले की कुसमुंडा पुलिस ने बिलासपुर के विवेकानंद नगर मोपका की रहने वाली महिला तरुणी सारथी को गिरफ्तार किया है। कवर्धा जिले के दामापुर पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम प्राण खेरा में बंदरों को भगा रहा एक शिकारी खुद की बंदूक से गोली लगने पर घायल हो गया। उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पेट के पास गोली लगने का शिकारी गंभीर रूप से घायल है। रायगढ़ में कालीबाड़ी के सामने अजंता मोबाइल शॉप में भीषण आग लग गई। इस आगजनी से लाखों का मोबाइल और सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ी उन्हें पहुंचकर आग पर काबू पाया। रायपुर के तेलीबांधा पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली टेबलेट नाइट्रोजेपम एवं अल्प्राजोलम के साथ 2 अंतरराज्यीय से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी मैरीन ड्राइव पास नशीली टेबलेट बेच रहे थे। आरोपियों के कब्जे से अलग अलग स्ट्रिप में रखे हुए कुल 1120 नग नाइट्रोजेपम एवं अल्ट्राजोलम टेबलेट जब्त किया गया है।